न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण और मैं हूं हरीश असवाल। संजय सिंह जिनकी गिरफ्तारी ईडी द्वारा कई दिन पहले कर ली गई लेकिन आज कोर्ट ने जमानत अर्जी भी खारिज कर दी है। संजय सिंह आरोप लगा रहे हैं कि ईडी उन्हें परेशान कर रही है, प्रताड़ित कर रही है, रात में करीब 10:30 बजे 11 बजे बाहर लेकर जाती है। उनका कहना है कि उनका एनकाउंटर हो सकता है। हरीश जी, अगर संजय सिंह की मैं बात करूं, क्या वो अतीक अहमद जैसे बाहुबली है, मुख्तार अंसारी जैसे बाहुबली है या फिर हिस्ट्री शीटर है जो उन्हें डर सता रहा है कि उनका एनकाउंटर हो सकता है? काजोल, पहले तो आम आदमी पार्टी जिस तरह की बयानबाजी शुरू से करती आई है और हमेशा से सरकार पर ही उन्होंने क्वेश्चन मार्क किया है और आंदोलनकारी पार्टी है, तो इस तरह की नौटंकी उनकी तरफ से हमेशा से रही है। मैं नौटंकी शब्द ही कहूँगा। पहले तो ईडी को इनकाउंटर पे घसीट रहे हैं, ठीक है, किसी कारण से उनको बाहर ले गई होगी या उनकी इच्छा अनुसार कोई कुछ भी हो सकता है, वो पहले उस पर बात होनी चाहिए थी, पर उन्होंने सीधा इनकाउंटर का आरोप लगा दिया। संजय सिंह एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने चिल्ला चिल्ला कर ये कहा था, अरे भाई छोटे मोटे को क्या पकड़ते हो, हमें पकड़ो, हमारी जाँच कराओ। अब जब उनकी जाँच हो रही है तो उनको परेशानी हो रही है। उनको परेशानी ये हो रही है कि मुझे क्यों पकड़ लिया। अब राघव चड्ढा भी उधर से बोलने लगे कि उनकी गिरफ्तारी के ऊपर कहीं उनके समर्थक ट्विटर पे ट्रेंड करा रहे हैं कि वो शेर है, उनकी गिरफ्तारी मतलब उनको रिहाई होनी चाहिए। इस तरह से उनके कई मुद्दों पे वो लोग उछल कूद कर रहे हैं। अरे निष्पक्षता से जाँच की बात हो रही है ना, आप बोलो ना, निष्पक्ष जाँच करो ना, हम हवाला करेंगे ना कुछ करेंगे, ठीक है, हमारा वकील भी खड़ा है, आपका वकील भी खड़ा है, हम निष्पक्ष जाँच कराएं। अगर इस पूरे मामले को हम देखें, ईडी जिस तरह से छापेमारी कर रही है और अभी संजय राउत जो कि उदयपुर से हैं, संजय राउत कह रहे हैं कि 2024 तक ना जाने कितने नेता ऐसे हैं जो जेल जाएंगे। यानी विपक्ष ये मान रहा है कि सरकार जानबूझकर ऐसा कर रही है या वाकई कुछ ऐसा ईडी के पास मिल रहा है तभी इस तरह की गिरफ्तारियां हो रही हैं। बात अगर सत्येंद्र जैन की जाए, बात अगर मनीष सिसोदिया की जाए और संजय सिंह की जाए, भले ही संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जेल में बंद है लेकिन अभी तक कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हो पाया है। देखिए, आरोप सिद्ध होने में टाइम लगेगा और मैं बोलता हूँ निष्पक्ष हो, अगर जांच भी हो रही है तो इनको तो खुश होना चाहिए कि भैया इतना टाइम लगा रहे हैं, कोई फॉल्स इनके साथ मतलब इस तरह की कोई चीज़ इनके साथ तो नहीं जोड़ी जा रही है। ये खुद ही कह रहे हैं ना कि हमारे यहाँ से कुछ नहीं मिला। अच्छी बात है ना, नहीं मिला, अगर इनके हिसाब से इनकी नज़रिए से देखें तो अच्छी बात है नहीं मिला। तुम क्या चाहते हो कि मिल जाए उसके बाद बोले कि ये सबूत सब नकली हैं? अरे अच्छी बात है, तुम्हारे हिसाब से तो हो रहा है, अब सब नहीं मिला, अच्छी बात। लेकिन संजय सिंह ने जिस तरह से हर मुद्दे को लेकर सदन के अंदर आवाज अपनी बुलंद की है और हर टॉपिक पर वो निडरता से बोलते हैं, क्या वजह है कि कुछ वो खुलासे कर सकते थे या कुछ उनके पास ऐसा था जिस वजह से उन्हें जानबूझकर? नहीं काजोल, आप एक वो बताइए, खुलासा कर सकते थे या नहीं कर सकते थे, वो थैला कहाँ गया जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दिखाया था? हाँ, इतना पोथी पथरा लेकर जो पहुंचे थे, पथरा क्या था, रद्दी का बैग था क्या? आप क्यों नहीं दिखाते हो? आपके पास अब तो आप दिखा सकते हो कि भाई मेरे पास क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, दिखाइए अपनी पार्टी द्वारा। और बाकी अरविंद केजरीवाल को बोलिए कि आप जाइए, सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए, उसमें दिखाइए। आपके पास कुछ था ही नहीं, आप आरोप लगा रहे थे। मैं बोलता हूँ कि आप हा हुल्ला सिर्फ जनता को मिसगाइड करने के लिए कर रहे थे। आप अगर इसको सही मायने में देखते तो आप चाहे सत्येंद्र जैन की हो, मनीष सिसोदिया की हो, आपको एक ही आवाज़ आनी चाहिए थी आपके अंदर से कि आप इनकी जांच कराएं, दोषी हैं तो जेल भेजें, निर्दोष हैं तो जल्दी घर भेजें। क्या आम आदमी पार्टी ये समझ चुकी है कि अभी बचने वाले नहीं है तो कुछ नेता सामने खुद से आएंगे डर के मारे? आम आदमी पार्टी की स्थिति यह है कि अरविंद केजरीवाल जी ने पदचिन्ह पकड़ लिए हैं लालू प्रसाद यादव के। जिस प्रकार से वो जेल गए थे उसी प्रकार से उन्होंने लालू प्रसाद जी ने अपनी अपनी पत्नी धर्मपत्नी को, राबड़ी देवी जी को मुख्यमंत्री बनाया था, उसी प्रकार से इन्होंने भी अब अपनी पत्नी को आगे लाना शुरू कर दिया है। आपने देखा होगा कि जगह जगह आजकल उनकी पत्नी उनके साथ है। उनको डर है कि कहीं अब मैं भी चला जाऊं तो सत्ता किसके हाथ में दे के जाऊं, ये उनके अंदर डर है। अच्छा, इस डर के साथ साथ मैं आपको बताऊं, इस डर के साथ साथ ये लालच भी है कि सत्ता में किसी और के हाथ में ना दूं, कहीं मैं जेल से बाहर निकलूं तो मैं सड़क पे मिलूं, ये भी डर है। राजनीति बड़ी गंदी चीज है। राजनीति में अगर उत्तर प्रदेश की हम बात कर लें, उत्तराखंड की हम बात कर लें, तो डबल इंजन की सरकार है, सरकार रिपीट हुई है, प्रदेश सरकार।
तो यहाँ पर सरकार ये कहती है कि हमने अच्छा काम किया, इसी वजह से सरकारें रिपीट हुई हैं। लेकिन जब बात दिल्ली की आती है तो दिल्ली में कहा जाता है कि शायद दिल्ली वालों को दिखाई नहीं दे रहा है, इसी वजह से दोबारा तीसरी बार सत्ता में आम आदमी पार्टी आई है। क्या यही वजह है या वाकई अरविंद केजरीवाल काम कर रहे हैं? आप इतना जानते हैं कि हमारे देश की जनता थोड़ा सा स्वार्थी हो जाती है कई जगह। फ्री का प्रलोभन इन्होंने बहुत अच्छे से दिया और मिसगाइड करने में ये लोग माहिर थे, इन्होंने बड़े अच्छे से मिसगाइड किया। जैसे कि इन्होंने कहा कि फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे, फ्री एजुकेशन देंगे, फ्री हेल्थ देंगे। फ्री तो इन्होंने वर्ड ऐसा जोड़ा कि हर चीज़ जैसे फ्री है, घर से महिलाओं के लिए बस फ्री, इसके लिए फ्री है, तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं। तो अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं कि हमारे पास बहुत पैसा है, आप बताइए कौन सी स्कीम लेकर आनी है। अगर इनके पास पैसा तो मनीष सिसोदिया क्यों भीख मांग रहे थे, क्यों बोल रहे थे कि हमारे पास तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है? तो इनके पास आपस में तय नहीं है कि हमारे पास पैसा है या नहीं? जब मंच पे क्या होता है कि कई बार हम लोग भी जब इंटरव्यू करते हैं या कुछ करते हैं, हमारे पे एक गुंजाइश होती है कि हम कैमरे के आगे कट कर दें, उसको बाद में हम जोड़ दें या कुछ कर दें। अब ये कहते हैं जब फ्लो फ्लो में बोल जाते हैं तो भूल जाते हैं कि हमारा ये कट पेस्ट तो कुछ हो नहीं सकता। तो वो कट पेस्ट जब नहीं होता तो मंच पे आके जो भी बोल जाते हैं तो वो भूल जाते हैं कि अगले ने तो पैसे मांग रहा है, मैं पैसे का बोल रहा हूँ कि कमी नहीं है। तो ये यही फंसते हैं। अब तो इस पूरे आम आदमी पार्टी को अभी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव, उसके बाद 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत करीब है, समय कम बचा है, और जिस तरह के हालात आम आदमी पार्टी के दिखाई दे रहे हैं, क्या लगता है आम आदमी पार्टी की छवि और ज्यादा खराब होने वाली? देखिए दिल्ली में तो रिपीट कर गई सरकार, पंजाब में उन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली, एमसीडी से 15 साल में बीजेपी काबिज थी, बाहर निकालकर फेंक दिया, लेकिन गुजरात में, हिमाचल में इनका जादू नहीं चल पाया, वही स्कीम लेकर ये छत्तीसगढ़ भी जा रहे हैं, मध्य प्रदेश भी। मैं उत्तराखंड और आपके इधर की बात करूं हिमाचल की, मैंने पहले भी कई प्रोग्राम में ये बात बताई है कि उत्तराखंड या कोई भी पहाड़ी क्षेत्र, मिनिमम एजुकेशन ही वहां पर, जो मतलब गरीब से गरीब का बच्चा भी है 10वीं पढ़ लेता है आराम से, तो इतनी समझबूझ रखता है कि किसको मुझे वोट देना है किसको नहीं देना, ये पक्का है। इसमें मैं किसी प्रदेश को जाके ये नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि दिल्ली एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर दिल्ली से ज़्यादातर लोग बाहर से आके आए हुए हैं और वो मजबूरी में यहाँ आते हैं, रोजगार के लिए आते हैं किस तरह से, तो उनकी एक अपनी मजबूरियाँ रही, स्ट्रगल करते हैं यहाँ पर, तो एजुकेशन इतना मायने नहीं रखता है, यहाँ पर जॉब मायने रख जाता है उनके लिए कि हाई स्कूल भी कर लिया या 8वीं पास भी हो गए तो कहीं नौकरी लग जाए ताकि यहाँ रहने भर का हमारा इंतजाम हो जाए। तो ये यहाँ का डिसएडवांटेज है। अब वहाँ के लोग क्या है कि वहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, उनको फ्री स्वाभिमानी लोग हैं, फ्री का कुछ नहीं चाहिए। तो इसका मतलब दिल्ली के जो लोग हैं वो स्वाभिमानी नहीं है या स्वाभिमानी दिल्ली के वो है ही नहीं ना। दिल्ली के जो लोग इस तरह के हैं वो, उनका राशन कार्ड वोटर कार्ड जरूर बन गया है पर वो अंदरूनी तौर पर दूसरे और प्रदेशों के हैं, वो बन गया, उनकी मजबूरी थी यहाँ पर रहना, उनको बच्चों को पढ़ाना था या कुछ भी करना था, वो इस तरह से दिल्ली सही मायने में बताइए, दिल्ली की 2.25 करोड़ की जनसंख्या है, 2.25 करोड़ रुपए में से ज़्यादातर लोग पलायन करके यहाँ पर बसे हुए हैं, तो उनकी आज भी आत्मा तो अपने प्रदेश से जुड़ी है, चाहे वो उत्तराखंड हो, कहीं झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, कहीं पर भी हो, उनकी आत्मा आज भी वहीं है। तो वो अगर उनसे बोलोगे ना कि आपके मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में या आपके राजस्थान में ऐसा हो गया है तो उनको बुरा लगता है, कि वो दिल्ली को उतना बुरा नहीं लगता, दिल्ली तो वो मानते हैं कि भैया सेफ है, राजधानी है, सेंट्रल की नजर रहती है, सब कुछ रहती है, वो दिल्ली को उस प्रकार से ही लेते हैं। तो मैंने आपसे सवाल ये पूछा था कि आप कहाँ देख रहे हैं आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी जितनी तेजी से ग्राफ इसका ऊपर गया उतनी तेजी से इसका ग्राफ नीचे आएगा और इस बार ही संभलेगा नहीं वो ग्राफ। और ये संजय सिंह को लेकर क्या राय है आपकी? संजय सिंह देखिए एक वैसे बहुत अच्छे मुखर नेता है और हमने कई बार इंटरव्यू भी किया उनका, इलेक्शन टाइम पे भी इंटरव्यू किया और अच्छा बोलते हैं, पर बोलते बोलते शायद वो आगे निकल गए कि किसी को भी बिना सबूत के नहीं बोलना चाहिए, वो कुछ भी बोलते चले गए, उन्होंने सोचा कि मैं अब राज्यसभा में बैठा हूँ तो कुछ भी बोलूँगा चलेगा, बिना प्रूफ के उन्होंने बोला है और बिना उस बोलते ना कि बार बार उन्होंने शेर को दावत दी है कि आ जा मुझे खा जा, आ जा मुझे खा जा, तो एक बार जब शेर आ गया तो फिर अब भीगी बिल्ली की तरह इधर उधर की आवाजें निकल रही हैं उनकी और कुछ नहीं हो रहा है। तो हमें समझने की जरूरत है कि ईडी जिस तरह से कार्रवाई कर रही है ऐसे में भरपूर कोशिश है कि भ्रष्टाचार को रोका जाए, भ्रष्टाचारी जो नेता है उनको जेल के अंदर डाला जाए, लेकिन जनता को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जनता सर्वोपरि है, जनता जानती है क्यों हरी जी? जनता को यह समझना होगा कि हमारे लिए क्या सही है, कौन सा नेता सही है, कौन सी पार्टी सही है, किसने हमारे लिए काम किया है, किसने नहीं किया है। लेकिन यहाँ फिर एक और बात आ जाती है कि दिल्ली में अगर सर्वे किया जाए या धरातल पर, पौश इलाकों को छोड़ दीजिए, लोकल कॉलेज में आप जाएंगे
तो लोगों का ये मानना है कि हाँ हमारे लिए अरविंद केजरीवाल ने काम किया है। फ्री की बिजली, फ्री का पानी का प्रलोभन देकर उन्होंने काम किया है। आप ग्राउंड पे आप जाइएगा, कितनों के घर में फ्री का बिजली आ रही है, कितने के पानी की स्थिति क्या हो गई है, क्वालिटी ऑफ वाटर जो बोला जाता है ना, वो आप अगर पिएंगे तो आज की डेट में जितने टाइफाइड और इतनी शिकायतें मिल रही हैं ये कहाँ से मिल रही हैं। क्वालिटी वाटर क्वालिटी बिल्कुल जीरो हो गई है समझ लीजिए। पहले कुछ फिल्टर होके आ भी जाता था, समय समय पर आता था, और उन्होंने फ्री 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 बोल के वो क्वालिटी तो गिरा दी है। तो यही है उनका, फ्री में उन्होंने स्वास्थ्य के ऊपर जो अटैक किया है और फिर बोला कि हमारे पॉलीक्लिनिक पे भी चले जाना, ठीक है, वो भी उनकी हालत भी आपने देखी होगी, कितने पॉलीक्लिनिक मोहल्ला क्लिनिक जो है उनके कितने चल रहे हैं। तो अब ये समझने की जरूरत है कि आपके हाथ में है किसको वोट देना है किसको नहीं देना है। अब संजय सिंह कब उन्हें जमानत मिलती है, खैर इसका तो उन्हें इंतजार करना होगा क्योंकि अभी तो जमानत नहीं मिली है। अब आरोप कब सिद्ध होते हैं इसका भी हमें इंतजार करना होगा। लेकिन आज का वीडियो आपको कैसे लगा ये कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।